बारिश के बीच खुले आसमान के नीचे पढ़ रहे हैं बच्चे। शिक्षक बोले, हम बच्चों को पढ़ाएं या जानवरों से बचाएं। खबर कराहल से है, जहां एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या इस तरह वनांचल स्थित कराहल क्षेत्र में शिक्षा जगत में क्रांति आ पाएगी, जहां कई स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए क्लासरूम तक नहीं है। हर मौसम में ये बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। ऐसे एक मामला कराहल मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भोटीपुरा प्राथमिक शाला का है, जहाँ 130 छात्र छात्राओं की संख्या वाले विद्यालय में भवन के नाम पर सिर्फ एक कमरा है, जिसे आप ऑफिस समझ लें या पूरा स्कूल। दिन भर पढ़ाने की जगह शिक्षक करते रहते हैं बच्चों की चौकीदारी। हाँ, ये बात सुनने में आपको अजीब लग रही होगी, मगर इस विद्यालय की हकीकत यही है। यह विद्यालय अव्यवस्थाओं का शिकार है। स्कूल परिसर की बाउंड्री वॉल न होने के चलते दिन भर गाँव की मवेशी, गाय, भैंस, ट्रैक्टर ट्रॉली और अन्य वाहन सभी इसी स्कूल में से होकर गुजरते हैं, जिससे कई बार बच्चे चोटिल भी हो चुके हैं। किसी बच्चे के साथ कोई बड़ी घटना ना हो जाए, इसके लिए हम शिक्षक इन बच्चों की दिन भर चौकीदारी ही करते रहते हैं। भरी बारिश के बीच खुले आसमान के नीचे संचालित हो रही हैं कक्षाएं। शासकीय प्राथमिक विद्यालय भोटीपुरा में 130 बच्चे दर्ज हैं और इन्हें शिक्षा देने के लिए 4 शिक्षक मौजूद हैं, मगर इन बच्चों को बैठाने के लिए विद्यालय में कोई व्यवस्था नहीं है। गर्मी, सर्दी या बारिश, बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर अपनी पढ़ाई करते हैं। शिक्षक ने बताया कि बारिश के दिनों में हल्की सी भी बारिश हो जाने के कारण बच्चों की छुट्टी करनी पड़ती है। ऐसा ही हाल सर्दी गर्मियों का भी होता है, जहाँ विषम परिस्थितियों में बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जिले के आला अधिकारियों को इस भोटीपुरा स्थित प्राथमिक शाला की इस दुर्दशा से वाकिफ ना हो, मगर सब कुछ जानकारी होने के बावजूद भी कभी किसी जिम्मेदार ने इसका ध्यान नहीं दिया कि बच्चों की शिक्षा व्यवस्था और सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाए। देखिए कराहल से संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ग्राम मोटीपुरा है और प्राथमिक शाला मोटीपुरा है, जो इसमें है ना, चारों तरफ से पशुओं या ट्रैक्टरों की निकलने की रास्ता भी है। बच्चे बैठाने के लिए कम जगह है, केवल मात्र है ना एक अतिरिक्त कक्ष है ना, तो बच्चों को पशुओं से बचाने के लिए भी उनकी रक्षा करना पड़ती है। एक बच्चे एक क्लास को हमेशा है ना बाहर ही पेड़ के नीचे बैठाना, तो बारिश में ज़्यादा बारिश होने पड़ती है तो छुट्टी भी करना पड़ती है। कुल मिलाकर ये समस्या। जी, मेरा नाम दीपक शर्मा है। क्या समस्या है सर? समस्या ये है कि हमारे पास बिल्डिंग नहीं है, केवल एक ही बिल्डिंग है। यहीं से रास्ता है निकलने का, यहीं से ट्रैक्टर निकलते हैं, यहीं से गाय निकलती हैं, तो बच्चे खेलते हैं, पता नहीं कब क्या आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। कई बार बच्चों के साथ ऐसा एक्सीडेंट भी हो चुका है। कल एक बच्चा गिर गया था, तो हमने उसको पट्टी वट्टी करा के वो घर पर भेज दिया। गैया आ गई, गैया उसके ऊपर से निकल गई। अब रास्ता ही नहीं है, यहीं से रास्ता है निकलने के लिए, बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है बच्चों। अच्छा, इसकी बाउंड्री भी नहीं है और कुछ नहीं है ना, बाउंड्री है ना, बैठने की कोई व्यवस्था है। एक बूंद भी अगर गिरती है तो बच्चों की छुट्टी करनी पड़ती है। एक ही कमरा है हमारे पास, वो भी अतिरिक्त कक्ष, और कुछ नहीं है। जी सामने है जी पुरानी। आपने इस मामले में कोई अधिकारियों से आपने अवगत कराया उनको? सभी अधिकारी घूम जाते हैं, आ जाते हैं। कई बार अधिकारी DPC महोदय भी यहाँ पे घूम गए हैं, उनको सब कुछ अवगत है। सभी अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही।